नालंदा की राजगीर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ के कारगिल चौक पर भव्य स्वागत किया। मंगल पांडे राजगीर के खनिजी होटल में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजगीर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी आयुष्मान योजना का लाभ देते हैं, जो हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज कराया जाता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम कुछ नए तकनीक के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को अवगत कराएंगे, जिससे कि बिहार वासियों को और बेहतर लाभ मिल पाए। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले पर बताया कि यहाँ के लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छी बात यह है कि पहले की अपेक्षा कोरोना नहीं है और दवा से घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। पूरे देश में और अपने राज्य में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लेकिन देश की तुलना में आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में कोरोना अभी भी बहुत नियंत्रित है। और उसका मूल कारण है कि हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना के नियंत्रण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं, और उसमें खास करके जो जाँच का काम करते हैं, प्रतिदिन 1.25 लाख से ज़्यादा जाँच होता है। टीकाकरण का विशेष अभियान चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, हर घर दस्तक अभियान चल रहा है, और पूरे देश में प्रतिदिन बिहार टीकाकरण के मामले में भी 2 नंबर पर रहता है, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर रहता है, चूँकि बिहार से दुगुनी बड़ी आबादी है। तो हम लोग लगातार टीकाकरण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और